राजकनिका बंद आलि सबडिविजन करिबा दाबीरे आज आलि ओ राजकनिका ब्लॉक बंद डाकरा दे जायछि। मिलित क्रियानुष्ठान ए बंद डाकरा देछि, जहार प्रभाव वर्तमान अनुभूत होईछि। अंचल रे दुकान बाजार बस चलाचल बंद रहीछि। मिलित क्रियानुष्ठान कमिटी ए बंद डाकरा देछि एवं आलि ओ राजकनिका ब्लॉक आज बंद डाकरा दिया जायछि। ए अंचल रे दुकान बाजार एवं बस चलाचल बंद रहीछि। प्रकाश पाई जेई आडवांस रिजल्ट, रुर्की जोन प्रणव गोयल सर्वभारतीय टपर होती। 360 नंबर 337 नंबर रखिंट। सेपरी झीले टपर होती मीनाल परेख, 6 नंबर रैंक रे अच्छा मीनाल। सेपरी आईआईटी खड़गपुर जोन टपर होती केवीआर रो हेमंत कुमार। ओडिशार सार्थक बेहरा सर्वभारतीय स्तर में 82 रैंक अच्छा। एथर मोट 155,000 छात्र छात्री परीक्षा देते, 18,138 जन छात्र छात्री योग्यता हासिल कर। jeadv.ac.in वेबसाइट रे उपलब्ध होउछि रिजल्ट। जून 27 रे सीट अलॉटमेंट नै घोषणा करा जिवो। टिटलागड रेल स्टेशन रे पुणि अघटन। रेल स्टेशन रे आरईएन ग्रीडिंग इंजिन रे पानी फिलिंग करुथिया बेले जणे रेल कर्मचारी गुरुतर होइछंती। चैतन्य मिर्धा नामक जणे कर्मचारी 25,000 केवि विद्युत तार संस्पर्शरे आसी गुरुतर आहत होइछंती। प्रथमे ताकु टिटलागड डाक्तरखाना एवं परे भुवनेश्वरकु स्थानांतर करा जायछि। गुरुतर चैतन्यक घर कलाहांडी जिला नरला ब्लक भालुरचरा गांरे। स्वच्छ परिमल सुस्थ परिवेश सृष्टि पई उभय केन्द्र एवं राज्य सरकार विभिन्न योजना कार्यकारी करछन्ती। हेले जाजपुर जिला खपुरियापदा गां लोके दीर्घ प्राय एक मास हेबो अस्वास्थ्यकर परिवेश मध्य देई जीवन बिताउछन्ती। गां छकरे थिबा एक कुकुडा फार्म रे कुकुडा गुडीक मरी पची सढ़ी जाइथिबारु एभली परिस्थिति सृष्टि होईछि। जेते अभिजोग कले भी किछि फल मिलुनी। एहुचि जाजपुर जिला दानगदी ब्लक खपुरियापदा गां। मासक तले गां छक एक दोकान क्याबिन रे हिंसाकांड होता, जो किसी लोक गुरुतर भाव आहत होते। घटन संप्रक्ति अभियोग जड़े कुकुड़ा फार्म मालिक फेरार अच्छा। फेरार थी खाद्य और रक्षणाबेक्षण अभाव फार्म भितर कुकुड़ागुड़िक मरी पची सढ़ीगले। उत्कट दुर्गंध बाहर जो समग्र अंचल अस्वास्थ्यकर परिवेश सृष्टि होती। जो कुकुड़ा सब मरी जाइए जहाँफल कि आम ये जातायात कराया गोटे स्कूल पाखे अच्छी गोटे मंदिर अच्छी ये खेल पड़िया मानते दुकान बजार सब अच्छी कि आम जातायात कराया असुविधा बहुत सम्मुखीन हो। लोक खाइबा आस दुकान तो बेपार कमी जाए 15 दिन है बेस गंधटा हो 15 दिन भितर मानते दुकान भी बेपार कमी जाए लोक भी आसुना ये गंध जो कुकुड़ा फार्म को लगि रही गाँव छक बजार पाखे मंदिर सहित पंचायत अफिस् स्कूल फळरे ए स्थानको प्रतिदिन शह शह लोक जास करिथांते। हेले दुर्गंध परिवेश जोगु लोक माने नाही नथिबा असुविधार सम्मुखीन होउछन्ते। समस्या संपर्क रे ग्रामवासी सरपंच को ठारु आरंभ करि बिडियोंको पर्यंत सबुठे अभिजोग करि सारिछन्ते, किंतु कोनोसे पदक्षेप निया जाउ नाही। समस्या नै दानगदे बिडियोंको जोगाजोग करिथिले हे तांकर कोनोसे प्रतिक्रिया मिले नाही। आउ लोक माने बाटे जो नाकरे हाथ देखि जाउछन्ते बहुत दुख अनुभव करछन्ते। सेप्रति कौन सी प्रशासन भी किसी स्टेप ना बहुत प्रकार सरपंच हरिया जनाऊु से कह हाँ बुझा बोली प्रायत तो 15 दिन है अत्यधिक दुर्गंध हेतु जातायात लोक मैंने छिछाखर कर खपुरियापदा पंचायत फेंठस्थल कहे अत्युक्ति हम ना। ब्लॉक प्रशासन कुकुड़ा फार्म रो परिमल स्वच्छता पाई आवश्यक पदक्षेप नेबा आवश्यक, नचेत एहाकु नै आगामी दिन में विभिन्न संक्रमण रोग व्यापीबार संभावना रहिछि। जाजपुर सुजित मलिक, न्यूज 18 ओडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सांघाई सहयोग संगठन एसीओ शिखर सम्मेलन में उद्बोधन देते। भारत लक्ष्य है पड़ोशी देश सह भल संपर्क स्थापन करिबा, सेपरी सुरक्षा होउछि प्राथमिकता। एथिपई मोदी एक नुआ मंत्र जहाँ से ना देते सिक्योर। यार अर्थ एस फर सिक्योरिटी ऑफ फर सिटीजन्स अर्थात देशवासी सुरक्षा, ई फर इकोनॉमिक डेवलपमेंट अर्थात अर्थनीतिर विकास, सी फर कनेक्टिविटी इन द रीजन अर्थात प्रति अंचल पहुंचा, यू फर यूनिटी अर्थात एकता, आर फर रिस्पेक्ट ऑफ सोवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी अर्थात सार्वभौम एवं एकता को सम्मान, एवं शेष रे ई फर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन
ଅର୍ଥାତ୍ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହି ଛଅଟି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେପରି ଏ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ କହିଛନ୍ତି, ସାରା ବିଶ୍ୱ ଏକାଠି ହେଲେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସମୂହ ନିପାତ ହୋଇପାରିବେ। ସମ୍ମିଳନୀର ସ୍ୱାଗତ ସମାରୋହରେ ମୋଦି ଚୀନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନ୍ପିଙ୍ଗ୍ଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଗତକାଲି ଜିନ୍ପିଙ୍ଗ୍ଙ୍କ ସହ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ମୋଦି। ଦୁଇଦିନିଆ ଚୀନ୍ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। पहली बार एससीओ समिट में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए बेहद खुशी हो रही है। पिछले एक वर्ष में इस संगठन की भूमिका को भली भांति समझने और उसमें योगदान के अवसर को हम बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। एससीओ का भौगोलिक क्षेत्र हजारों साल से पूरी दुनिया के लिए भौतिक, वैज्ञानिक, दार्शनिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक प्रगति का प्रेरणा स्रोत रहा है। बुद्ध और कन्फ्यूशियस, सम्राट अशोक तथा तांगवंश, समरकंद व बुखारा, नालंदा एवं तक्षशिला, सुवानस्तांग तथा कश्यप मातंग, अल बरूनी और आर्यभट्ट, महात्मा गांधी और टॉल्स्टॉय, रूमी तथा कालिदास, इस क्षेत्र की ऐसी अनगिनत विभूतियां हैं, पूरी मानवता को गंगा और वोल्गा की तरह सींचा है।